अवैध प्लॉटिंग के लिए यहां पर पुल बनाया गया था, नाले पर अवैध रूप से पुल बनाया गया। नगर निगम की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध प्लॉटिंग के लिए पुल बना था जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, नाले पर अवैध रूप से ये पुल बनाया गया था जिसे हटा दिया गया बुलडोजर की मदद से। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अवैध पुल को ढाया गया बुलडोजर से, पूरी टीम पहुंची और ये पुल का निर्माण जो किया गया था अवैध रूप से उसे हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। जशपुर में सड़क हादसे में दो की मौत हो गई है। ट्रक ने वाहन को टक्कर मार दी। बता दें तपकरा थाने के करसई की यह घटना है। मामले की जांच में फिलहाल अभी पुलिस जुटी हुई है। तो घटनाक्रम हुआ है, हादसा बताया जा रहा है। फिलहाल इस हादसे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। किन्हीं लापरवाहियों की वजह से हादसा हुआ, पर यह सड़क हादसे में दो की मौत होना बताई जा रही है। ट्रक ने वाहन को टक्कर मारी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सड़क हादसा, दो की मौत, क्या वजह बताई जा रही है? जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरी घटना जो है वो तपकरा थाना क्षेत्र के केरसई गांव की है, और केरसई गांव के पास जो है एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार आ रही थी और विपरीत दिशा से एक ट्रक आ रही थी, और ये स्कॉर्पियो जो है अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। और इस घटना के बाद जो है जो वाहन में सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। और ये हादसा इतना भयावह था कि जो दोनों शव हैं वो वाहन में बुरी तरीके से फंस गए हैं, और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और जो स्कॉर्पियो है उसको काटा जा रहा है और शव को निकालने की तैयारी की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। कवर्धा में गौ सेवक साधराम हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मोबाइल से आतंकियों के कनेक्शन की जानकारी मिली है। दरअसल मोबाइल अय्यास के घर से टूटा हुआ मिला था जिसे जांच के लिए भेजा गया था। मोबाइल में संदिग्ध वर्दीधारियों के वीडियो और फोटो भी मिले हैं। 20 जनवरी को साधराम की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा मोबाइल से कुछ संदिग्ध लोगों से बातचीत का भी पता चला है। माना यह जा रहा है कि जल्द इस मामले में जम्मू कश्मीर से कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साधराम हत्याकांड में पुलिस ने नाबालिग समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इन्होंने बहुत शातिराने ढंग से जो मोबाइल था उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया था, लेकिन पुलिस ने घर में दबिश देकर उस मोबाइल को जब्त किया। अभी फोरेंसिक उसकी इमेजिंग आई है जिसमें उनके द्वारा कश्मीर के कुख्यात ऑटोमेटिक वेपनधारियों के साथ उनकी बातचीत, उनके फोटोज, वीडियो, और वहाँ पर एक कुछ संदिग्ध लोगों के साथ लगातार वो संपर्क में थे और देशद्रोही बातें जो है और रेडिकलाइज बातें जो है वो कर रहे थे। वो जो मुजाहिदीन की तरफ जो है अपना लगाव जो है शो कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनके स्लीपर सेल्स के रूप में काम करने की बात सामने आ रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये हत्याकांड का खुलासा हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है, ज्यादा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, साधराम यादव एक गौ सेवक था, अचानक उसकी गला लेत करके 20 जनवरी की हत्या कर दी गई थी। आरोपी अय्याज जो खान है उसके यहाँ से टूटा हुआ मोबाइल है वो जब्त किया गया था, और इस टूटे हुए मोबाइल से एक एक करके राज हैं वो उसका पर्दाफाश हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र के जो वेपन्स हैं, अत्याधुनिक वेपनधारियों के साथ उनके फोटो वीडियो हैं वो उस पर मिले हुए हैं। साथ ही साथ संदिग्ध जो लोग हैं उससे इस तरह से देशद्रोह के संबंध में बातचीत की जा रही है, और अभी जो जाँच चली है कि स्लीपर सेल के रूप में उनकी जो पहचान है वो हो सकती है। साथ ही अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जाएगी और वहां से गिरफ्तारी भी संभव है। तो साधराम यादव के जो हत्याकांड के मामले को लेकर के एनआईए जांच के भी आदेश दिए गए थे, और एक बड़ा ऐसा हादसा था जिसे एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। 2018 का रिन्यू ये मोबाइल था जिसे जब्त किया गया है और उसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, और इस पे अब एक एक करके खुलासे हैं वो हो रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे, कोरबा का जिक्र करेंगे। बोरी और बैग में शव मिलने के मामले में शव की शिनाख्त हो चुकी है। बता दें, बैग में मिले पासपोर्ट से शव की शिनाख्त मोहम्मद वसीम अंसारी के रूप में हुई है। वसीम के भाई ने भी शव की शिनाख्त की है। वसीम सऊदी की कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर था। हालांकि परिजनों का कहना है कि उसकी इंडिया आने की जानकारी नहीं थी। दो बोरे के अलावा स्कूल बैग में शव के 17 टुकड़े मिले थे। गोपालपुर डैम के पास से पुलिस ने शव को बरामद किया था। मामले को पुलिस अभी फिलहाल मामले में तफ्तीश जारी है। जगदलपुर में मां और बेटे की